हेलो ऑल, इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग का टाइम एंड वर्क के टॉपिक से। और इन टॉपिक्स के अंदर, टाइम एंड वर्क के टॉपिक के अंदर आपको सिर्फ दो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। और वो दो चीज़ें कौन सी होती हैं? एक तो होता है आपका टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है, ये मोस्टली क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है। और एक होता है वन डेज वर्क। वन डे वर्क हमको निकालना पड़ता है और वन डे वर्क के बेसिस पे ही हमारा आंसर आता है। तो यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है निकालने वाली? वन डेज वर्क, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि कोई ए है, वो किसी काम को 2 दिन में खत्म करता है, ठीक है, 2 दिन में ए किसी काम को खत्म करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? ऑफकोर्स 1/2 करेगा। तो 1/2 एक दिन, 1/2 एक दिन, हो गया खत्म। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज से वन डेज वर्क निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। ऐसे अगर मैं बोलूं कि बी है कोई, वो किसी काम का 1/3 हिस्सा करता है एक दिन के अंदर, तो वो कितने दिन लगाएगा? तो इसको उल्टा कर दो, 3 डेज, ठीक है। तो यही काम करना होता है। सपोज सी है, किसी काम का 1/4 हिस्सा एक दिन में करता है, तो वो उस काम को कितने दिनों में करेगा? इसको उल्टा कर दो, 4 डेज, ठीक है। तो ये चीज करनी पड़ती है हमारे को इन क्वेश्चंस के अंदर। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बताई थी, ये जो वन डेज वर्क है सबके, ये हम निकालते हैं, उसी के बेस पे हमारे आंसर आते हैं। तो अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो हमें वही चीज देखनी है, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज मोस्टली क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, और वन डेज वर्क हम निकाल लेते हैं, और वन डे वर्क के बेस पे हमारा आंसर आता है। तो यानी कि ए कोई बंदा है, ए एक काम को 80 दिन में कर सकता है, यानी कि एक 80 दिन में किसी काम को खत्म कर देगा। तो ए का एक दिन का काम क्या हो गया? मैंने बोला था कि 80 का रेसिप्रोकल 1/80, तो ए का एक दिन का काम आ गया। और फिर क्या है, ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज, तो ए जो है उस काम को 10 दिन करता है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर मैं देखूं, आपका जो काम है, सपोज ये पूरा काम आपका ये है, ठीक है, पूरे काम को हम 1 बोलते हैं, तो ए ने 10 दिन काम किया, 10 डेज, ई वर्क एट इट फॉर 10 डेज, तो ए ने 10 दिन में कितना काम किया? अगर मैं ए के वन डे वर्क को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो यानी कि ए एक दिन में 1/80 काम करता है, और वो 10 दिन में कितना करेगा? × 10 कर दिया, ठीक है। तो ए ने 10 दिन में कितना काम किया? 10/80, इसका मतलब क्या है? 1/8, ठीक है। देन बी Alone fin B alone B alone finishes the remaining work in 42 days। तो यानी कि देखो, बचा हुआ काम कितना है? टोटल काम तो 1 है, ठीक है, तो रिमेनिंग काम कैसे निकालोगे? रिमेनिंग वर्क, तो टोटल तो 1 होता है, और A ने अब तक कितना कर लिया है? 1/8 कर लिया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 7/8, ठीक है। तो अब ये 7/8 को किसने किया? इस काम को तो ए ने किया था। अब रिमेनिंग वर्क को बी ने फिनिश किया अकेले, बी ने फिनिश किया अकेले 42 डेज में, 42 डेज में, ठीक है। तो क्या मैं बी का एक दिन का काम निकाल सकता हूं? तो अगर मैं बोलूं यहां पे बी ने 42 डेज में 7/8 काम फिनिश कर दिया, ठीक है, तो बी का एक दिन का क्या काम क्या हो गया? जो 42 डेज में जो काम किया है, उसको 42 से डिवाइड कर दो, तो 7/8 × 1/42, तो बी का एक दिन का काम आ गया, ठीक है। तो ये आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, 7 × 42, 8 × 48, 1/48, यानी कि बी का एक दिन का काम कितना है? 1/48 मैंने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है, पहले ए ने 10 दिन काम किया है, तो ए का 10 दिन का काम निकालना है, 1/8 आ गया मेरा,
ए के एक दिन के काम से मैंने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, ए का 10 दिन का काम आ गया, और फिर कितना काम बचा है अब, तो टोटल काम तो 1 होता है, टोटल काम 1 होता है, और 1 में से ए ने जो कर लिया है इतना काम बचा है, ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग वर्क है ये 7/8 हो गया, और रिमेनिंग वर्क को बी ने कितना किया, कितने दिनों में किया है, 42 दिन में किया है, तो बी ने 42 दिन में 7/8 किया है, तो बी का एक दिन का काम मैंने निकाल लिया, 7/8 को और 42 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1/48। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन हाउ मच टाइम विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द वर्क, ए और बी मिलके इस काम को कितने टाइम में खत्म करेंगे, तो सीधी सी बात है ए और बी का एक दिन का काम निकाल लो, और एक दिन का काम निकाल लो तो ए उसको पलट देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, तो ए और बी का एक दिन का काम क्या हो गया, ए का एक दिन का काम 1/80 प्लस बी का एक दिन का काम 1/48, तो ये इसका एलसीएम कितना होता है, आई थिंक 240, हाँ 240 इसका एलसीएम होगा, और 8 या 24 3 3 प्लस 48 × 5 होता है 240, 48 × 5, ठीक है, तो 48 × 5, 5 × 1 5, ठीक है, तो ये आ गया आपका 8/240, ठीक है, इसको और कर लो तो ये क्या आ गया 1/30, तो यानी कि ये जो 1/30 है ये ए और बी का मिला के काम आया है एक दिन का, ठीक है, और मैंने बोला था कि एक दिन से नंबर ऑफ डेज निकालना है तो उसको पलट दो, यानी कि ए और बी इस काम को मिलके 30 डेज में करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 30 डेज। तो अब ये देखो, फिर दोबारा देखो इस क्वेश्चन में, ए एक काम को कर सकता है 80 दिनों में, ठीक है, तो ए का ए कर सकता है 80 दिनों में, तो एक दिन का काम ए का क्या हो गया 1/80, और उन्होंने बोला है कि वो अकेले 10 दिन के लिए काम करता है, तो ए का 10 दिन का काम कितना हो गया, उसके एक दिन के काम में मैंने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए का 10 दिन का काम 1/8 हो गया, ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा, ए चला गया, फिर बी आ गया, और बी ने बचे हुए काम को 42 दिन में खत्म कर दिया, तो बचा हुआ काम है कितना, तो 1/8 तो ए ने खत्म कर दिया है, तो 1 में से 1/8 आप माइनस कर दो तो कितना बचा, 7/8, तो ये जो 7/8 है इस काम को बी ने 42 डेज में खत्म किया, यानी कि बी ने 42 डेज में 7/8 काम किया, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया, ये जो काम किया इसके और 42 42 में हिस्सा निकाल लो × 1/42, ठीक है, तो ये बी का एक दिन का काम आ गया 1/48, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ए और बी अगर मिलके काम करेंगे, ए और बी वर्किंग टुगेदर कितने दिन लगाएंगे, कितना टाइम लगाएंगे या कितने दिन लगाएंगे, तो जब दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों का मिलके एक दिन का काम निकाल लो, तो ए का एक दिन का काम 1/80 था और बी का एक दिन का काम था 1/48, तो इनका मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम लेके इन दोनों का काम आ गया 1/30, तो ए और बी मिलके, ए और बी मिलके एक दिन में 1/30 काम करते हैं, तो और एक दिन के काम को उल्टा कर दोगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 30 डेज, तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया इस क्वेश्चन के अंदर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ए ने 8 दिन तक काम किया है, तो आपको ये निकालना है कि कितना काम कर लिया और फिर जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बचा, तो टोटल काम 1 होता है और 1/8 उसने कर लिया है, तो कितना बचा, 7/8 बचा, ठीक है, तो ये वाली चीज हमको निकालनी होती है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।